make some noise for Twinkle Kalia. अवार्ड और मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अवार्ड दिया और इस पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और आर्मी से जो लोग आए हुए हैं मैं उनको सलूट करना चाहती हूँ क्योंकि दिल से मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं अपने बारे में ही थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैं ट्विंकल कालिया, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक। लास्ट 20 ईयर से हम लोग एम्बुलेंस सेवा दे रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा भी मुझे सम्मान मिला। और कोरोना काल में जो हमने सेवाएं की उसमें अमिताभ बच्चन जी का भी मेरे पास कॉल आया, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा भी मुझे अवार्ड मिला। और अभी तक टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 10,000 फैमिलीज को एम्बुलेंस खुद चला के मैं सेव कर चुकी हूँ, हेल्प कर चुकी हूँ उनकी जान बचाने में। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि दिल्ली में परमात्मा ना करे किसी को एम्बुलेंस की नीड पड़ती है तो दिल्ली में मेरी 16 एम्बुलेंस सेवा फ्री चल रही हैं। कभी भी किसी को नीड पड़े आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। अमृतसर में, देहरादून में और अब गंगानगर, यहाँ जयपुर और राजस्थान में भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नीडी एंड पुअर पीपल्स के लिए एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको अपना नंबर बताना चाहूँगी, 9210486584। आप लोग कॉल कर सकते हैं। और लास्ट छोटा सा एक एक्सपीरियंस मैं अपना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारी वुमेंस यहाँ पे आई हुई हैं और कहते हैं ना कि एक पुरुष के पीछे महिला, सक्सेसफुल पुरुष के पीछे जो है महिला का हाथ होता है, तो मेरे पीछे जो है मेरे हस्बैंड का हाथ है, मेरी फैमिली का हाथ है। तो मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि आज मैं जो भी हूँ अपने हस्बैंड की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा, मैं जब भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो हमेशा उन्होंने मुझे कहा नहीं ये तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। और मैं करती चली गई और मुझे ये अवार्ड सब ये उन्हीं की देन है। उन्होंने मुझे पेरेंट्स के बाद उन्होंने मुझे पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आज जो भी मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो कोई भी महिला जो है ना वो कभी भी पीछे नहीं रहती, क्योंकि महिलाएं तो 24 आवर्स ही काम कर रही हैं और तभी वो हस्बैंड जो हैं वो तभी सक्सेस है, आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि 24 घंटे महिलाएं जो हैं। कोरोना काल में भी ऐसा ही हुआ, सब लोग अपनी अपनी, सब कोई डिश बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोरोना काल में भी यही हुआ कि 24 घंटे हमारी बहनें जो थी वो घर का काम कर रही थी और सभी लोग जो थे अपना अपना कुछ ना कुछ सभी कर रहे थे। पर उस समय मुझे फर्स्ट दो बार मेरी ज़िंदगी जो है वो दुआओं से ही बची है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ फर्स्ट कोविड के बाद। तो सेकंड जब अप्रैल में सर कोविड की जब ये हुआ लहर आई, उस समय मेरी रेडिएशन और कीमोथेरेपी चल रही थी, मेरे सिर पे बाल भी नहीं थे और दो दो दिन की पड़ी हुई डेड बॉडीज़ रिश्तेदारों ने और पड़ोसियों ने उठाने से मना कर दिया था। तो मेरे फादर इन लॉ मुझे गुस्सा करते थे, कहते समझ नहीं आंदी, कोई कॉल आता है और फटाफट से चली जाती है, एम्बुलेंस उठाती है, किट पहनती है और चली जाती है बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी की तो परवाह ही नहीं है। फिर मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा जी आज दो दिन पहले उनसे हमारी बात हो रही थी और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो ईश्वर ने तो मुझे कैंसर के बाद ये लाइफ दी है और मैं इसको जो है ना ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो मैं बस सेवा में ही बिताना चाहती हूँ। आज जो है कैंसर जो भी है मैं कभी नहीं सोचती, हर दिन उस परमात्मा का मैं शुक्रिया करती हूँ
सुबह उठते ही कि थैंक यू सो मच परमात्मा, तूने आज मुझे फिर से नया जीवन दिया, नया दिन दिया। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ, महिलाएं कम नहीं हैं, सभी जितनी भी, चाहे वो मेरी मम्मी है, चाहे हमारी मदर है, बहन है, बेटी है, सभी रियल वुमेन है और रियल स्टार हैं, क्योंकि आज सब हम उन्हीं की वजह से यहाँ पे हैं। और आप सब भी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे यूट्यूब पे, विकिपीडिया पे आप देख सकते हैं, वहाँ से नंबर्स भी मिल जाएंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़िए। जो भी कोई फ्री एम्बुलेंस सेवा मिलके साथ कर शुरू करना चाहते हैं तो मैं 24 घंटे उनके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ट्विंकल जी, आपकी जो जर्नी है अब तक रही है वो एक्चुअली काबिले तारीफ है, राइट अजी? जस्ट अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन व्हाट माय मदर डू, हम सभी जब एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो हम जगह दे देते हैं उनको।